my candidature was rejected on the ground that post was reserved for female candidates, sir. तो बताइए क्या गलत है इसमें? सर इसमें ये गलत है सर. सर अकॉर्डिंग टू द सर एनेक्सर P4 पेज नंबर 2021 सर, इफ द पोस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट इज वेकेंट देन इट कैन बी फिल्ड बाय मेल कैंडिडेट्स. सही सर. सर एज पर द एडवर्टाइजमेंट ऑन 17/2/23 आपका शुभ नाम क्या है सर? डॉक्टर पीयूष. ये क्या एडवर्टाइजमेंट निकला सर? एक एडवर्टाइजमेंट आई थी बीएमसी मेडिकल कॉलेज से सागर. देयर वाज टू वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट सर, इन व्हिच वाज वन वाज फॉर एससी कैटेगरी एंड वन वाज फॉर अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी सर. कहाँ है वो एडवर्टाइजमेंट? सर पेज नंबर 11 सर. पेज नंबर 11 पे. यस हाँ सर. यू आर रीडिंग व्हिच अनरिजर्व में कौन सी पोस्ट है? फीमेल थी सर एक, और एक एससी की. जनरल मेडिसिन में फीमेल. हाँ जनरल मेडिसिन का ही बोल रहा हूँ मैं. और एक एससी की है. एक एससी की थी सर. हाँ सर जी. सर सर माय कैंडिडेचर वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट पोस्ट वाज रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट सर. तो बताइए क्या गलत है इसमें? सर इसमें ये गलत है सर. सर अकॉर्डिंग टू द सर एनेक्सर P4 पेज नंबर 2021 सर, इफ द पोस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट इज वेकेंट देन इट कैन बी फिल्ड बाय मेल कैंडिडेट सर. कहाँ लिखा है सर? सर ये 20 और 21 21वें पेज नंबर पे सर. 21 पर पढ़िएगा प्लीज. पढ़िए पैरा 5 पढ़ रहे हैं आप. सर आपको पहला ये बताना एनेक्सर फोर सर. ये हाँ जी आपको ये बताना पड़ेगा कि किसी महिला अभ्यर्थी ने अप्लाई नहीं किया था इसमें. सर महिला अभ्यर्थी ने अप्लाई किया था लेकिन उसने एससी कैटेगरी में उठा लिया सर. तो फिर कैटेगरी में उठा लिया मतलब? सर दो पोस्ट दो लोगों ने अप्लाई किया था सर. दो दो सीट्स थी उसमें, एक एससी की थी एक फीमेल के लिए अनरिजर्व थी. एक एससी की थी और एक फीमेल के लिए अनरिजर्व थी. हाँ सर. तो सर उसमें एससी कैटेगरी फेल हो गई सर. फीमेल वाज वैकेंट. एससी में तो वैसे भी आपका क्लेम नहीं था. हाँ एससी में हमारा क्लेम नहीं था. फीमेल कैंडिडेट सीट वाज वैकेंट. इट इज स्टिल वैकेंट सर. तो सर अकॉर्डिंग टू सर एनेक्सर 4 पेज नंबर 20 एंड 21 सर. कोर्ट में बाद में आएंगे. पहले आप बताइए कि हुआ क्या, घटनाक्रम क्या है? सर घटनाक्रम ये है कि सर मैंने अप्लाई किया सर. इस पोस्ट के विरुद्ध, जनरल पोस्ट के विरुद्ध किसी फीमेल का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर. खाली है वो? खाली है सर. इसी की इंस्ट्रक्शंस है. देखिएगा पिटिशनर इन पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर पिटिशनर सबमिट्स दैट ही वाज अ कैंडिडेट. एक मेरी इसमें प्रार्थना ये थी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 एग्जाम एंटायर मैटर बी लिस्टेड बिफोर डीयू वन मारो. अरे ठीक है हो जाएगा. हम तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे. नोटिस इशू कर रहे हैं आपको. चलेगा कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर for which advertisement was issued on 17/2/23 full stop. One post of general medicine was advertised under unreserved category and it was shown to be meant for female candidate full stop. Reading from the general administration department next paragraph. General Administration Department circular dated circular number C/3-2/97/3/ONE dated 10th February 1997. If a post of a female candidate remains unfilled, then that post is not to be carried forward but is to be filled by the male candidate of the same category. It is submitted that overlooking this circular arbitrarily, case of the claim of the petitioner, candidature of the petitioner has been rejected as this writ petition. Issue notice to the respondents. Notice is waived by Shri Manas Mani Verma. Let reply be filed within 4 weeks. Next paragraph. At this stage, Shri Manas Mani Verma submits. No, my lord, this is the advertisement regarding 2023, ma'am. 2017 advertisement. Yes, sir. Obliged. List on
Rest in the week commencing 24 April 2023. 26.